हाय दोस्तों, नमस्कार। अनुज कुकिंग डायरी में आप सबको स्वागत है। आज मैं बनाना वाला है कुंदरू करी। ये करी बहुत टेस्ट रहता है, एक बार ऐसा बना के देखना, सभी को बहुत पसंद आता है। पहले कुंदरू करी को कैसा बना के दिखा देगा। आइए, तीन मिर्ची ले लिया। तीन मिर्ची को ऐसा पीस करके साइड रख लीजिए। कुंदरू को तीन बार अच्छे से धो के ऐसा कुंदरू को टू साइड से कट कर लीजिए। ऐसा काट लीजिए पीसेस पूरा। कुंदरू करी तैयार करने के लिए के पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दीजिए। ऑयल बहुत गर्म हो गया, गर्म होने के बाद चम्मच मस्टर्ड डाल दीजिए, 1/2 चम्मच जीरा डाल दीजिए, लाल मिर्ची छोटा छोटा पीसेस कट करके डाल दीजिए। इसी में थोड़ा सा करी पत्ता डाल दो, ऑनियन। ऑनियंस डालने के बाद अच्छे से फ्राई करना। ऑनियंस कलर चेंज होने तक फ्राई कर लीजिए। ऑनियंस अच्छे से कलर चेंज हो गया। चेंज होने के बाद 1/2 चम्मच अदरक और लहसुन पेस्ट डाल दीजिए। ये अच्छे से फ्राई हो गया। फ्राई होने के बाद मिर्ची डाल दीजिए। ये पीस कर अच्छे से मिला दीजिए। थोड़ा से फ्राई होने के बाद कुंदरू इसी में डाल दीजिए। कुंदरू पीसेस को इसी में 1/2 चम्मच हल्दी डाल दीजिए। हल्दी डालने के बाद अच्छे से मिला दीजिए। ये ढक्कन लगा के 5 मिनट तक पकाने दीजिए। ढक्कन खोल के देखना, कुंदरू अच्छे से फ्राई हो गया। रखने के बाद कुंदरू को 1 ग्लास पानी डाल दीजिए। इसी में पानी डालने के बाद फिर ढक्कन बंद करके अच्छे से 5 मिनट तक ऐसा पकाने दीजिए। अभी ढक्कन खोलेगा, ये बहुत अच्छे से कलर चेंज हो गया। कुंदरू अच्छे से पक गया। ये पकने के बाद 1/2 चम्मच मिर्ची डाल दीजिए, लाल मिर्ची डाल दीजिए। मिर्ची डालने के बाद 1 मिनट तक अच्छे से ऐसा मिला के पकाने दीजिए। कुंदरू करी रेडी हो गया, एक सर्विंग प्लेट में लीजिए। कुंदरू करी रेडी हो चुकी है। एक बार ऐसा बना के टेस्ट कैसा है जरूर कमेंट्स में बता दीजिए। अगर मेरा चैनल पसंद हो जाए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।